नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस रिकॉर्ड पे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ अपडेट के बारे में। सबसे पहले बात कर लेंगे तेजस को लेके। जैसे कि हम इसके बारे में ऑलरेडी ये बता चुके हैं कि तेजस के सेकंड स्क्वाड्रन को लेके, यानी कि स्क्वाड्रन नंबर 18, जिसको फ्लाइंग बुलेट के नाम से भी जाना जाता है, तो इस स्क्वाड्रन को आज तेजस के लिए खोल दिया गया है। स्क्वाड्रन का बेस AFS सुलूर है, तो आज IAF चीफ के प्रेजेंस में इस स्क्वाड्रन को डेडिकेट किया गया है तेजस के लिए, जो कि तेजस का सेकंड स्क्वाड्रन होगा, यानी कि जो भी आपके FOC तेजस हैं फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस वाले, तो उनके लिए खोला गया है। बात करोगे कि इससे पहले ये जो स्क्वाड्रन है वो कौन से एयरक्राफ्ट को फ्लाई कर रहा था, तो इससे पहले इस स्क्वाड्रन में MiG-27 फ्लाई हो रहे थे, जो कि 2016 तक वहाँ पे एक्टिव थे। मतलब उनके नाम पे जो प्लेट था वो निर्धारित किया गया था स्क्वाड्रन नंबर 18 के लिए। और इस इनॉग्रल सेरेमनी के दरमियान IAF चीफ ने खुद ही तेजस को फ्लाई करके इस प्लेटफॉर्म में जो अपना कॉन्फिडेंस है वो जताया है। और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि जो करंट IAF चीफ है, उनका जो डेडिकेशन रहता है इंडिजिनस प्रोडक्ट के लिए, वो काफ़ी वोकल रहे हैं। तेजस प्रोग्राम में वो टेस्ट पायलट भी रह चुके हैं। इस दरमियान IAF चीफ ने कुछ मीडिया ग्रुप से बात की है, और वार्ता में उन्होंने ये इंश्योर किया है कि तेजस के सेकेंड स्क्वाड्रन का जो गठन है वो इसके ऑपरेशनल यूटिलाइजेशन को बढ़ाएगा, और तेजस को लेकर क्या यूटिलिटी है इसकी वो इंश्योर करेगा ये। IAF चीफ कैसा मानना है कि इस तरह के फाइटर जेट उनको एक बड़े नंबर में चाहिए, और इसके लिए जो पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप है उसको सामने आके बेड़ा उठाना पड़ेगा, और वो इसमें विश्वास करते हैं कि कितने जेट डिलीवर हुए हैं, ना कि बड़ी बड़ी बातों में कि इतने एयरक्राफ्ट डिलीवर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। और उनका मानना ऐसा है कि तेजस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हमें ट्रूली सेल्फ रिलायंस बनाएगा। जहाँ तक बात करोगे AFS सुलूर की, तो अभी करंट में भारत में AFS सुलूर टेक्निकली सबसे ज़्यादा इक्विप्ड है सभी एयरफोर्स स्टेशन में। ये एक MAFI है, मतलब मॉडर्नाइजेशन ऑफ एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको इक्विप किया गया है कैटेगरी 2 से, जो कि ILS है, मतलब इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम से इक्विप्ड है। और इसीलिए AFS सुलूर बहुत सारे एयरक्राफ्ट का जो पहला घर है वो बनाया जाता है। जहाँ तक बात है फ्लाइंग बुलेट की, तो फ्लाइंग बुलेट को कमांड करेंगे ग्रुप कैप्टन मनीष तोलानी, और उनको ही आज हैंडओवर किया गया है पहले फ्लाइंग बुलेट एयरक्राफ्ट की। और मनीष तोलानी वही पर्सन है जो कि पहले फ्लाइट कमांडर थे फ्लाइंग डैगर के। यहाँ पे मनीष तोलानी को असिस्ट करेंगे ग्रुप कैप्टन दिनेश धानकर, और वो भी एक फ्लाइट कमांडर होंगे। तो अगर आप HAL के पर्सपेक्टिव से देखते हो, तो उनके लिए तेजस एक फेस सेवर का काम कर रहा है। दूसरी तरफ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो 83 MK1 की डील है वो जल्दी साइन की जाएगी। वहीं पर तेजस के प्रोडक्शन रेट को फास्ट ट्रैक करने के लिए जो HAL का हेडक्वार्टर डिवीजन है, LCA डिवीजन बेंगलुरु, तो वहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए हैं प्रोडक्शन रेट को और भी स्मूथ बनाने के लिए। और इस तरह के जो इंडक्शन होते हैं, स्क्वाड्रन का निर्माण होता है, तो ऐसे कुछ जो स्टेप हैं जो भी इंजीनियर काम कर रहे हैं HAL में या फिर जो LCA तेजस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, उनके मोराल को एक बूस्ट मिलता है। आपको पता ही है कि जो भी एयरक्राफ्ट होंगे LCA तेजस के FOC वेरियंट, इन सब की जो डिलीवरी है वो 2021 तक हो जानी है। वहीं पे जो SP-18 और 19 है, जो कि पहले SP-22 और SP-23 था, वो अगले मंथ दोनों ही फ्लाइंग बुलेट को ज्वाइन करेंगे। इसमें मैं एक और अपडेट ऐड कर देना चाहूँगा कि IAF के लिए जो स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है DRDO का, यानी कि 100 वेपन, तो इसका जो प्रोडक्शन है वो शुरू कर दिया गया है। अभी ये प्रोडक्शन एक लिमिटेड नंबर के लिए है, जो कि अनुमानित है 50 के नंबर में, और प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि अगले एक मंथ में इसको लेकर जो फॉर्मल डील साइनिंग है वो कंप्लीट कर ली जाएगी। सो DRDO का जो स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है वो अब प्रोडक्शन की तरफ बढ़ रहा है। आप जानते ही होंगे कि 100 एक ऐसा वेपन है जिसको बालाकोट के दरमियान चुना गया था। पहले चॉइस सिर्फ 100 थी, लेकिन एन मौके पे किसी भी रिस्क फैक्टर को एलिमिनेट करने के लिए एक ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेटफॉर्म की तरफ IAF बढ़ गई थी। अगर 100 की बात करोगे तो 100 की CEP काफ़ी स्ट्रांग है, जो कि 3 मीटर के नीचे है, और जो मैक्सिमम CEP है वो 7 मीटर के नीचे है। ऑपरेशनल रेंज इसकी 100 किलोमीटर है, जबकि ये बॉम्ब लैस है इमेजिंग इंफ्रारेड गाइडेंस से। भारत का जो नेविक है उसका भी इस्तेमाल करता है ये। वहीं पर बात करोगे फ्यूज़ की, तो इसमें एक प्रोग्रामेबल जो इम्पैक्ट डिले फ्यूज़ है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसके सारे ट्रायल्स कंप्लीट कर लिए गए थे एक अच्छे एक्यूरेसी के साथ, तभी ये प्रोडक्शन की तरफ बढ़ रहा है। अभी ये जो वेपन सिस्टम है वो IAF के जैगुआर और 230 MKI पर डिप्लॉय किए जाएंगे, और आने वाले दिनों में ऐसा प्लान है कि जो भी हमारे रफाल्स होंगे उन पर भी ये इंटीग्रेट किए जाएंगे। बात कर लेंगे एक और अपडेट की, जो कि अमेरिकन हेलीकॉप्टर MH-60R के डील को लेके है। तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि तकरीबन 24 MH-60R को लेके जो डील है वो साइन कर ली गई थी, जबकि इन हेलीकॉप्टर की जो डिलीवरी है वो 2021-2022 के अंत तक कंप्लीट की जानी थी। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, जिसमें सिकोर्स्की डिलीवर करने जा रहा है तकरीबन 3 MH-60R इस साल के अंत तक इंडियन नेवी को, जो कि उनके टाइमलाइन से बहुत पहले जो डिलीवरी है वो शुरू हो रही है। हालांकि ये जो MH-60R होंगे ये US नेवी के इन्वेंट्री से ही लिए गए हैं, मतलब ये हेलीकॉप्टर उनके लिए बनाए गए थे, अभी इनका इस्तेमाल नहीं किया गया था, ये सिर्फ इन्वेंट्री में रखे गए थे। सो कहीं ना कहीं US को जल्दी है इन हेलीकॉप्टर्स को भारत को डिलीवर करने में।
और जिस तरह की कंडीशन चल रही है स्पेशली इंडियन ओशन रीजन में, चाइना का जो प्रेजेंस है वो इन सब को भी देखते हुए हो सकता है इसकी डिलीवरी को एक्सेलरेट किया गया हो। जहां पे सिकोर्सकी का मानना ऐसा है कि अगर ये तीन MS-60R हम US नेवी के इन्वेंट्री से आपको डिलीवर कर रहे हैं तो इससे क्या होगा कि जो इंडियन नेवी के पर्सनल्स हैं वो जल्दी ही यूज टू हो जाएंगे ट्रेनिंग करके, तो आपको जो वो टाइम बाद में लगना था उससे आप एक्सेलरेट कर लोगे। जैसा कि ये सब आपको मालूम होगा कि ये जो डील साइन की गई थी वो फॉरेन मिलिट्री सेल के अंतर्गत यानी कि FMS के अंतर्गत साइन की गई है इंडियन गवर्नमेंट और US गवर्नमेंट के बीच में, जिसके अंतर्गत सिकोर्सकी तकरीबन 24 ऐसे हेलीकॉप्टर डिलीवर करने वाला है। और MS-60R पर कौन कौन से सेंसर हैं, कौन कौन से रडार हैं, उन सब के बारे में मैं डिटेल में बात कर चुका हूँ, लिंक डाल दूंगा मैं यहाँ पे कि किस तरह के ये नेवल ऑपरेशन करने में सक्षम है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।